टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किया है। केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत नोटिस भेजा है। आगामी लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी की एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पीलीभीत से बीजेपी सांसद को सपा का टिकट दिए जाने का दावा किया जा रहा है। सपा की इस लिस्ट में 3 नाम है, जिसमें वरुण गांधी का नाम भी है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पार्टी सांसद राहुल गांधी के पीएम मोदी ईवीएम ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के बिना चुनाव नहीं जीत पाएंगे वाली टिप्पणी पर कहा कि ईडी सीबीआई और आईटी विभाग का दुरुपयोग करके पीएम मोदी विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण कोलकाता के मिटिया ब्रूस में 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने के बाद बचाव का काम चल रहा है। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोगों की मलबे में फंसे हुए हैं। 18 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण के 3 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु का दौरा करेंगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होने वाले रोड शो के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन कोर्ट से इजाजत मिल गई है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने चुनावी बॉन्ड पर कहा कि भारतीय राजनीति में काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड आया था। बीजेपी के 330 सांसद हैं, कांग्रेस के सिर्फ 35 सांसद हैं। अगर अनुपात देखा जाए तो कांग्रेस के पास ज्यादा बॉन्ड है। अल्पेश यादव की मुश्किलें आसान होने का नाम नहीं ले रही है। सांप और सांप का जहर तस्करी मामले में नोएडा पुलिस ने अल्पेश के खिलाफ 29 NDPS एक्ट लगाया है। इस एक्ट के लगने से अल्पेश की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तय माना जा रहा है। एमबीए ने 2 फॉर्मूला बनाया है, एक जिसमें प्रकाश आम्बेडकर शामिल है और दूसरा जब गठबंधन उनके बिना चुनाव लड़ेगा। मुंबई में राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो चुका है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर मुंबई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत छोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जुए को सरकार का समर्थन प्राप्त है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि उनकी पार्टी को शेडी और सोलापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी गारंटी दे रही है, क्या वह परचून की दुकान खोलकर बैठे हैं जो गारंटी दे रहे हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा की रैली में बहुजन वंचित आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आम्बेडकर ने सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार सभी को लड़ना होगा, चाहे वो साथ मिलकर हो या अकेले। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन कार्यक्रम में शरद पवार ने कहा कि पीएम मोदी की दी हुई गारंटियां काम नहीं आने वाली है। आज देश की जो स्थिति है उसे बदलना जरूरी है। आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लोगों में उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति है, वे एकनाथ शिंदे को पेट में छुरा खोपने वाले के रूप में देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवाजी पार्क में ये रैली हो रही है और जिन्होंने वीर सावरकर के खिलाफ आरोप लगाए थे वो इसमें शामिल हो रहे हैं। दत्तात्रेय होसवाले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने एक बार फिर से सरकार वायु के पद के लिए चुना है। 2024 से 2027 तक यानी अगले 3 साल तक दत्तात्रेय होसवाले इस पद पर रहेंगे। शेयर बाजार की आज की शुरुआत हल्की गिरावट के साथ हुई है और सेंसेक्स निफ्टी अहम लेवल से नीचे फिसल कर खुली है। निफ्टी 22,000 के नीचे खुला है और सेंसेक्स 72,600 के लेवल के नीचे आ गिरा है। हालांकि बाजार खुलने के बाद थोड़ी देर में ही सेंसेक्स निफ्टी तेजी में लौट आया है। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को तगड़ा झटका लगा है। कंपनी की मार्केट वैल्यू पिछले 2 साल में लगभग 41,000 करोड़ रुपए घट गई है। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स के घर खुशियों ने दस्तक दे दी है। दरअसल मूसेवाला की मां ने 58 साल की उम्र में एक बेटी को जन्म दिया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।